वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, जरा आज हमारे सेगमेंट डॉग टॉक में बात करते हैं वो बच्चे जिनको मीठा खाने की बहुत आदत है। कल मैंने एक मीम देखी जिसमें दिखाया जा रहा था टू पीपल प्रोबेबली कैनिबल्स और विचेस और व्हाटएवर, दे वर ट्राइंग टू मेक एडिशन द कॉल्ड्रन, और एक बच्चे को लेके खड़ा था, कहता है डू यू नो हाउ मच शुगर देयर इज इन दिस वन सो वी कांट पुट इट इन। तो मसला ये है कि बच्चे बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं एंड द इमीडिएट इफेक्ट यू सी इज दैट दे हैव कैविटीज एट अ वेरी यंग एज, और खासतौर पर छोटे बच्चे जिनके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे होते लेकिन ये दूध का दांत तकरीबन काला हो जाता है या उसमें बहुत सारी कैविटीज होती हैं ओइंग टू देयर हाई शुगर डाइट। सो आज हम डॉक्टर अली से पूछते हैं कि क्या ये कॉमन है, और जैसे एक तसव्वुर ये है कि दांत अपने आप को हील कर सकता है, तो इतने छोटे बच्चों की अगर कैविटीज हों तो हमें क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली हुसैन, क्या हाल है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जी, इसे कहते हैं नर्सिंग बॉटल कैरीज, यानी कि रैपिडली प्रोग्रेसिंग कैरीज। एक और इसका नाम है कि मैटरनल एक्वायर्ड स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट इन्फेक्शन। तो ये वो जरासीम है जो कि वो आगे के दांतों में कीड़े लगाता है। अब इसकी वजह, मेन वजह यह है कि हमें टेस्ट डेवलप करने में पेरेंट्स को थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर आप शुगर का टेस्ट अर्ली ऑन बच्चों को डेवलप करवाना शुरू कर दें जिनको पता ही नहीं है कि शुगर क्या चीज है, तो फिर ये मसला शुरू हो जाता है। इंस्टेड ऑफ एक्सपोजिंग देम फॉर अर्ली शुगर, हमने उनको फ्रूट्स वगैरह देना है। मुझे बताएं कि एक तस्वीर ये है कि बच्चे को सेवरी टेस्ट नहीं आता, और तभी हमने एक नोटिस भी किया, अगर आप जनरली किसी बच्चे को कोई भी बेबी फूड दे रहे हो अगर वो नमकीन है या उसमें चीनी नहीं है तो उसको खिलाना मुश्किल होता है, बच्चा उसको बहुत शौक से नहीं खाता। चीनी इतने शौक से क्यों खाते हैं बच्चे? बिकॉज इट्स एडिक्टिव, एक तो ये मैं आपको बता दूं, और अर्ली ऑन अगर हमने शुगर देना शुरू कर दी तो फिर ये इसकी हैबिट कंटिन्यू रहती है टिल उसके दूध के दांत गिर जाएं, उसको जल्दी जल्दी शुगर चाहिए होता है। इसीलिए कहा जाता है कि नेचुरल शुगर दी जाए, फ्रूट्स दी जाए अर्ली ऑन। और मैं आपको बताऊं कि पहला जो दांत आता है वो 6 महीने में आता है, और ये डेवलप होते 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 तमाम दूध के दांत 2 से 2.5 साल हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही पहला दांत आ जाए ब्रशिंग शुरू कर देनी चाहिए, या बेबी ब्रश हो या फिर मलमल का एक कपड़ा हो जिससे माँ ब्रशिंग करती रहे, और 2 साल तक आप कोशिश करें कि टूथपेस्ट ना दें, आप यह है कि खाली ब्रश करवाएं या हल्का सा बिल्कुल राइस के बराबर एक टूथपेस्ट दिया जाए जिससे वो ब्रशिंग करती रहे। माँ दे या जो भी केयर टेकर है घर पे वो भी उसमें कर सकती है, लेकिन ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 टाइम रात का टाइम ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा दिन जो है ना बच्चे खाते रहते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, एक और चीज, नर्सिंग बॉटल कैरीज की एक वजह दूध की बॉटल मुंह में रखना है रात के वक्त, जो माएं रख देती हैं ताकि बच्चे सुकून से सो जाए। फिर ये होता है कि वो दूध की जो दूध है वो मुंह में रहता है, उसके बाद फिर वो जो म्यूटेंट है। व्हाट अबाउट ये बेबी सूदर्स जो होते हैं, जैसे आप आमतौर पर देखते हैं दे नॉट फीडर्स बट दे कीप द सूदर इन द माउथ, और खासतौर पर जो छोटे बच्चे प्रैम्स वगैरह में होते हैं उनको पब्लिक स्पेस में लाने के लिए, चुप कराने के लिए, मुझे लगता है कि उनकी जबान बंदी की हुई। उसमें ये होता है कि उसमें जबान जो गंदी की होती है और उसमें जो टेस्ट होता है या फिर जो खाना खाया होता है वो रह जाता है, फिर वो उन जरासीम के साथ मिल के केमिकल बनाता है, केमिकल फिर आपके दांत को एसिड से खत्म कर देता है, एसिड के बाद फिर वो जड़ें रह जाती हैं, और जड़ें ऐसी रहती हैं कि ऊपर का दांत खत्म हो जाता है, सिर्फ अंदर रूट स्टेम्स पड़े होते हैं। फिर इलाज ये होता है कि इलाज जब पेशेंट रूट स्टेम्स लेके डॉक्टर के पास जाता है तो फिर या एक्सट्रैक्शन होती है या फिर वो क्राउन लगाए जाते हैं जो बच्चों को मेटल के लगते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल टर्न अराउंड एंड से कि अगर दूध का दांत में कैविटीज है भी या काला भी हो गया है, ओ इट डजंट मैटर, जब पक्के दांत आएंगे उसकी वरी करनी चाहिए। नहीं, देखिए फिर ऐसा होता है कि अर्ली ऑन अगर हमने दांत निकाल दिए दूध के तो फिर दांत टेढ़े होने के चांसेस है, इसीलिए फिर वो स्पेस मेंटेनर वगैरह लगाया जाता है ताकि बच्चों के दांत टेढ़े ना हो, और या फिर पक्के आने वाले दांत अगर उनको एसिडिक एनवायरमेंट नजर आया तो उन्होंने भी कीड़ा निकाल। तो इसीलिए कहा जाता है कि मुंह जितना बेसिक हो, इसीलिए कहा जाता है कि फ्रूट्स दिए जाएं, और यही वजह है कि नीचे के दांतों में कैविटी आगे के दांतों में नजर नहीं आती, क्योंकि जबान कवर करता है, जबान हैज ऑल द एंटीबैक्टीरिया, और क्योंकि उसमें थूक होता है, थूक में एंटीबैक्टीरिया होता है, इसलिए ऊपर के दांत और ऊपर के पीछे के दांतों में कीड़े ज्यादा लगते हैं। अच्छा, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि छोटे बच्चे, खासतौर पर अगर आप 2 से 8 साल की उम्र के बच्चों को देखें, सम ऑफ देम आर नाउ कंप्लेनिंग ऑफ बैड ब्रेथ, क्या ये वजह है कि उनकी दूध बेस्ड डाइट होती है या उनको भूख ज्यादा लगती है? इट इज द एंजाइम्स इन देयर टमी, व्हाट मेक्स देम कैरी सच बैड ब्रेथ? कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, एक तो पेट का भी इसमें इशू है, तेजाबियत का मसला होता है, डाइजेशन का मसला होता है, खाना मुंह में रखना, स्टिकी चीजें यानी कि जो चिप्स वगैरह और जो बिस्किट्स खाते हैं जिसमें स्टार्च वगैरह होता है वो चिपक जाता है, और कोई भी चिपकने वाली चीज वहां पर एक किस्म के बैक्टीरिया अपनी बदबू छोड़ना शुरू करते हैं, जब वो बदबू छोड़ते हैं तो फिर बहुत बुरी स्मेल आती है। इसलिए कहा जाता है कि रात की ब्रशिंग, माओं को ये ट्रेन करते हैं हम कि प्लीज
जब तक लेस बच्चा बांधना ना सीख ले, क्योंकि इतनी डेक्सट्रिटी इसमें एक टेक्निक है, इतना स्किल्ड काम है ये ब्रशिंग, तो आपने उनको सुपरवाइज करना है या ब्रशिंग खुद करनी है अंटिल सिक्स इयर्स, ताकि बच्चे ब्रशिंग प्रॉपर तरीके से सीख जाए। अच्छा, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आप देखें कि अगर पहला बच्चा है और पहले दो साल तक उसकी यानी आपकी सारी तवज्जो उसके ऊपर है, तो ये तमाम यू नो यू पैम्पर देम एंड यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, बट व्हेन दे आर मल्टीपल किड्स इन द हाउस होल्ड सम हाउ ये चीजें बैक बर्नर पे चली जाती है। या आप छोटे बच्चे को कहते हैं यानी 7-8 साल की उम्र का हो गया, वो खुद ही मुंह धो ले, वो खुद ही नहा ले, अब वो उसके बालों में से शैम्पू निकल रहा है नहीं निकल रहा, उसने दांत सही साफ किए हैं नहीं किए, ये कल्चर का हिस्सा है। आजकल हमारे रेस्टरूम बहुत बड़े बड़े हैं, हम खाना सारे मिलकर खाते हैं, सारे खाते हैं, कल्चर कैसा इस तरीके से ही कल्चर ये बना लें कि अब हम ब्रशिंग भी सब साथ करेंगे, सही म्यूजिक चला लेंगे, म्यूजिक स्टार्ट होगी हम ब्रशिंग शुरू करेंगे, म्यूजिक एंड होगी हम ब्रशिंग खत्म करते हैं। अच्छा, दैट इज अ ग्रेट इंडिकेटर बाय द वे, कि वो जो एक गाना अगर 2 मिनट